पहले इन लोगों को दिक्कत होती थी, लेकिन अभी पैसा है तो टेक्नोलॉजी कहीं से आ जाएगा भाई। ठीक, तकरीबन 5 मिनट चलेगा, 5 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा। देखिए क्योंकि इधर वाले में पानी आ गया अपना। ये जब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाता है, तो रात में जल्दी मैं निकलता नहीं हूँ, नहीं होता, लेकिन बारिश होता है भाई। उतना इंडिया की तरह बारिश नहीं होता है, लेकिन बारिश होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, कई भाई लोग कहते थे कि एक वीडियो बनाओ कि मजरा में पानी आता कहाँ से है, तो चलिए आज पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ और दिखाने भी वाला हूँ फ्रेंड कि मजरा में पानी कहाँ से आता है और पहले के ज़माने में पानी कहाँ से आता था, ये सब दिखाने वाला हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड ये देखिए, यहाँ पे ये जैसे अपने इंडिया में कुआँ होता है उसी कुआँ की तरह है। इसको पहले मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए बहुत ज़्यादा गहराई है इसकी। इसके सामने आते में भी, आते समय भी डर लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा गहराई है फ्रेंड। और अपने इंडिया में कुआँ होता है गोल राउंडिंग में, ये चार कोण का है, चार कुंडा में है। और फ्रेंड यहाँ देखिए, करीबन 6-7 साल पहले की बात है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पक्का है अभी भी। यहाँ पे पंप सेट जो इंजन होता है अपने इंडिया में पानी चलाने वाला, वो इंजन यहाँ पे सेट था और इसके अंदर पूरा नीचे पाइप लगाया गया था, ठीक है ना। पानी पाइप द्वारा ये इंजन खींचता था। और उसके बाद दिखा दूँ आपको फ्रेंड, यहाँ नज़दीक में है, तो इस ये जब पंप सेट पानी खींचता था तो खींचने के बाद पानी इसमें डालता था। और इस टाइम, ये पहले के टाइम की बात है फ्रेंड, और इस टाइम अभी कितना आसानी से पानी ये लोग निकाल लेते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ फ्रेंड। तो चलिए पहले ये दिखा दूँ आपको, उसके बाद फ्रेंड पानी पाइप द्वारा इसमें ला कर गिराते थे ये लोग। ये देखिए, एक इधर है सेम सेम, एक उधर भी है, उस साइड भी है। तो ये देखिए फ्रेंड, पानी आके इसमें गिरता था, ये देख सकते हैं, वहाँ से पानी आता था और इसमें पानी आके गिरता था। और यहाँ देखिए, एक इसमें होल है, अभी तो बंद हो गया, दिखाई नहीं दे रहा फ्रेंड, यहाँ पे ये होल है। और इसके पीछे देखिए, अभी मिट्टी से ढक गया, ये नाली है, ये नाली यहाँ से सीधे देखिए, यहाँ से यहाँ गया है और वहाँ से ऐसे मुड़ गया है। तो ये देखिए नाली, आपको दिखा दूँ, ये देखिए सीधे गया है अभी तो, ये जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ये सब मिट्टी से ढका हुआ है फ्रेंड। और इधर दिखा दूँ आपको कैसे कैसे गया है। और इसके बाद यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ पे नाली दिख रहा है एकदम क्लियर। तो एक नाली फ्रेंड इधर चला गया है, एक नाली इधर और एक नाली देख रहे हैं सीधा एकदम चला गया उस मजरे में, सामने जो वहाँ मजरा देख रहे हैं फ्रेंड, एक नाली वहाँ चला गया है और एक नाली है जो इधर चला आया है फ्रेंड। तो इसमें भी पहले ये सब मजरा था फ्रेंड, ये देख रहे हैं सूखा सूखा पेड़ है। तो ये 20-25 साल हमारा जो गुड्डा है, कफील है, इधर नहीं आया, इसको नौकरी मिल गया था, तो इसके वजह से ये सारा पेड़ सूख गया पानी चलाने के बगैर। और यहाँ कोई आमिल भी नहीं था, आदमी भी नहीं था इसका। और अभी चलिए दिखाता हूँ, अभी सिस्टम चेंज हो गया फ्रेंड, अभी तो ऑटोमेटिक हो गया। तो चलिए अभी सिस्टम दिखाता हूँ आपको। ये सामने जो टंकी देख रहे हैं फ्रेंड, इसमें हमेशा पानी भरा रहता है और ये पानी कहीं से मंगवाना नहीं पड़ता है। और किस तरह से भरता है, इसमें कैसा ऑटो सिस्टम लगाया हुआ है, ये भी आपको दिखा दो। तो ऐसे तो मैं ऊपर जल्दी चढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आज चढ़ के दिखाऊंगा, ऊपर वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको इसका ऑटो सिस्टम कैसे लगाया हुआ है। ये देख रहे हैं सामने ब्लैक कलर का पाइप है, इसी पाइप के रास्ते पानी जाता है इसमें। देखिए एक ये पाइप है, एक ये पाइप है फ्रेंड ऊपर गया है, और एक यहाँ देखिए नीचे पाइप है जो इधर से गया है, जो इधर से गया है। ये दो मोटर का दो पाइप है अलग अलग से। और यहाँ देखिए फ्रेंड, ये लोग, ये टंकी है और इसको ये लोग खजान बोलते हैं, देखिए कितना बड़ा है, और दूरी से आप लोग देखे होंगे। और इसमें ये सरिया का कुंडा लगाया हुआ है, तो ये देखिए नीचे से ऊपर तक इसको पकड़ करके ऊपर चढ़ जाना है। मैं चढ़ के दिखाता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ रहा हूँ और एक हाथ से पकड़ के चढ़ रहा हूँ फ्रेंड। तो अभी देखिए, ये देख सकते हैं ऊपर कैसे है, चारों तरफ से बंद है और यहाँ भी ढक्कन लगा हुआ है इसका फ्रेंड। तो इसको मैं ओपन करूँ और यहाँ देखिए फ्रेंड कैसा सिस्टम है, ये इसका ऑटो सिस्टम है। तो मैं थोड़ा इसको चालू करके दिखाता हूँ अभी पानी कैसे आएगा, इसको मैं ऐसे ऊपर उठा दूँगा, अभी देखिएगा ऊपर उठा दिया हो, पानी अभी स्टार्ट हो गया।
फाइल्स का थोड़ा दूरी पे है, बस आने ही वाला है पानी, आवाज़ सुनिए आप। ये दोनों का मैं उठा दिया हूँ ऑटो सिस्टम, दोनों मोटर का। ये देखिए एक में पानी आना स्टार्ट हो गया जो नज़दीकी में है, और एक किधर है इसमें भी पानी आएगा। ये देखिए अभी मैं छोड़ दिया हूँ, फिर भी पानी आएगा। ये ऑटोमेटिक तकरीबन 5 मिनट चलेगा, 5 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा। देखिए क्योंकि इधर वाले में पानी आ गया अपना, और उधर वाला भी बाकी है। ये देखिए दोनों में पानी आ गया, और ये जैसे पानी आ रहा है फ्रेंड, ये देखिए बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा है। ये जैसे पानी आ रहा है, ये थोड़ा से ऑटो सिस्टम जो है ये थोड़ा सा उठेगा ऊपर, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब चलिए दिखाता हूँ ये पानी आता कहाँ से है फ्रेंड, इसको पहले बंद कर लूँ क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हूँ, दिक्कत हो रहा थोड़ा। बंद हो गया फ्रेंड, चलिए थोड़ा नीचे उतरता हूँ और लेकर चलता हूँ उस मोटर के पास जहाँ पे वो सिस्टम लगाया हुआ है फ्रेंड, जहाँ पे मोटर लगाया हुआ है। तो चलिए लेकर चलता हूँ वहाँ पे। ये सब सीन तो मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ फ्रेंड, ये जो बकरी रहती हैं सब। ये देखिए धूप हो या गर्मी हो या बरसात हो, ऐसे ही रहती हैं सब पूरी रात। कभी कभी बारिश हो जाता है, लोग कहते हैं कि यहाँ बारिश नहीं होता, लेकिन बारिश होता है भाई। उतना इंडिया की तरह बारिश नहीं होता है, लेकिन बारिश होता है यहाँ पे भी। तो पूरी रात ऐसे भीगती रहती हैं सब बकरियाँ। और ये देखिए ये घर बनवाया है, पत्ते का है घर है। ये जो खजूर का पेड़ है उसका जो पत्ता होता है बड़ा बड़ा, वो काट करके घर बनवाया इसके नीचे। जैसे धूप ज़्यादा हो जाएगा तो बकरियाँ आकर बैठेंगी सब। और यही जो पेड़ है मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि सब सूख गया है। ये पहले पुराना मजरा था इधर, तो ये 20-25 साल इधर नहीं आया फ्रेंड, उसके वजह से ये सब सूख गया है। और चलिए अब दिखाता हूँ मोटर। पहले इन लोगों को दिक्कत होती थी, लेकिन अभी पैसा है तो टेक्नोलॉजी कहीं से आ जाएगा भाई, पैसा वाला देश है ये। तो अभी देखिए टेक्नोलॉजी इन लोगों का जो अपने इंडिया में आपको मिलेगा, तो जैसे कर्नाटक में, मुंबई में, ये देखिए ये बोर हुआ है, और ये जैसे बोरवेल है ये बहुत तकरीबन ये इसके अंदर मोटर डाला हुआ है बहुत नीचे तक फ्रेंड। और ये देखिए पाइप गया, ये पाइप सीधा चला गया है उस टंकी में, वो टंकी देख रहे हैं फ्रेंड, वहाँ पे सीधा चला गया है। और देखिए ये यहाँ से गया है, उसमें दो पाइप दिखा रहा था मैं आप लोगों को, एक वो यहाँ से गया है फ्रेंड, और एक पाइप वहाँ जो है वो देखिए फ्रेंड, वो हमारा रूम है देख रहे होंगे, इसके आसपास में कहीं कोई घर नहीं है फ्रेंड, देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ। ये देखिए जब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाता है, तो रात में जल्दी मैं निकलता नहीं हूँ क्योंकि इधर सांप बहुत ज़्यादा रहते हैं, जहरीले जहरीले, दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए इधर मैं इधर जाने लगा था, यहाँ एक पाइप लगा हुआ है, देखिए वो मोटर है, एक यहाँ से पानी जाता है फ्रेंड, एक यहाँ से पानी जाता है। यहाँ पे तीन मोटर अभी जो चालू है, चालू हालत में है, और दो तो उस तरफ है, पीछे की तरफ है, तो बंद हो गया फ्रेंड। एक ये है जो उसमें दो पाइप मैं दिखाया था आप लोगों को, तो एक पाइप ये था और एक उधर वाला दिखा दिया आपको, दो मोटर हो गया यहाँ का इस टंकी का। और फ्रेंड एक टंकी और आपको दिखा दूँ, वो देखिए बाहर में है, सबुक के बाहर में है, जाली के बाहर में, तो उस टंक वो टंकी भी इसी का है। तो सरकारी जैसे छोड़ दिया, कोई आए कोई पानी लेकर के जाए कोई भी आदमी, तो उसका मोटर फ्रेंड यहाँ पे है, जो इसको भी चालू नहीं करना पड़ता, उसमें भी ऑटो सिस्टम लगा हुआ है, तो उसमें पानी हमेशा आधा भरता है। उसका जो ये ऑटो सिस्टम है उसको एकदम नीचे लगा के रखा है ताकि आधा टंकी भर जाए, उसके बाद पानी ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ये देखिए फ्रेंड उसका मोटर ये है जो यहाँ से नीचे नीचे चला गया उसके अंदर। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। थैंक यू।